शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा के इस अष्टमी पर और इस नवमी पर हमको केवल एक दीपक जलाना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। अष्टमी पर भी कर सकते हैं और नवमी पर भी कर सकते हैं, या दोनों दिन भी आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और साथ ही साथ इस उत्कृष्ट उपाय को आपको करना है। नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। 9 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान माता के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि को बेहद अहम माना जाता है। इनमें से ही 2 दिन महत्वपूर्ण होते हैं, महाअष्टमी और महानवमी। महाअष्टमी के दिन माँ आदिशक्ति दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है और माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और श्रद्धालु जीवन में पवित्रता और अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के नवमी के दिन माँ आदिशक्ति दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। विधान है शास्त्रों में, माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री रोग शोक और मुक्ति भी प्रदान करती है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव गंधर्व असुर ऋषि आदि सभी जन इनकी आराधना करते हैं। भगवान शिव भी इनके आराधक हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ भगवती अपने नेत्र खोलती है। महाअष्टमी और महानवमी के दिन जो भक्त माता रानी का पूजन करते हैं, माता रानी की दृष्टि जिन पर भी पड़ जाती है, उनके समस्त रोग पीड़ा दुख दारिद्रता नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से उन्हें सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन 2 दिनों में माता रानी को घर में बुलाना है और हमारे जीवन में पुण्य की हमें प्राप्ति करना है। इसलिए नवरात्रि के महाअष्टमी और महानवमी के दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय पूजा किए जाते हैं वो बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। माता के नेत्र खुले हुए हैं और इस दौरान हमें उपाय करना है। आपके जीवन में समस्त कष्ट बाधाएं सभी से मुक्ति मिल जाएगी। इन उपायों को करने से माँ भगवती का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही साथ माता प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान भी देती है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। यह उपाय आपको महाअष्टमी या महानवमी की रात्रि में ही करना है। नवरात्रि की पूजा हमेशा नवरात्रि में माता रानी की आराधना अगर हम दिन में करते हैं, उससे ज्यादा अगर शुभ फल अगर आपको प्राप्त करना है तो रात्रि में ही माता रानी की आराधना करनी चाहिए। 9 दिन माँ आदिशक्ति दुर्गा का पूजन रात्रि के समय ही करना चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है और माता रानी जल्द प्रसन्न हो जाती है। उपाय करने के लिए आपको संध्या काल में सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। शुद्ध होकर के नहा धोकर के आपको स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करना है। ध्यान रखें, काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनना है। इसके बाद माता रानी की चौकी के सामने आसन बिछा करके बैठ जाएं। माता रानी की फोटो रखें चौकी पर, नीचे लाल वस्त्र रखें और माता रानी को शुद्ध घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है और साथ ही साथ एक धूप बत्ती भी आपको जलाना है। ध्यान रखें, दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी मिला देना है। ऐसे के ऐसे 2 दीपक आपको और प्रज्वलित करना है। अब आपको माँ के सामने इन बीज मंत्रों का आपको जाप करना है। एक माला का जाप करना है, यानी कि 108 बार आपको मंत्रों का जाप करना है। ओम रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद आप माँ आदिशक्ति को प्रणाम करें। अब आपको माँ दुर्गा को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करना है। ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आपको मौली भी लगेगी और साथ ही साथ एक मुट्ठी अक्षत भी आपको लगेंगे और हल्दी और कुमकुम भी लगेंगे। ये भी आप माता रानी के सामने रख दें। ध्यान रखें, आप जो दीपक लगा रहे हैं वो आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं या आटे का भी दीपक ले सकते हैं। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मणें और उससे दीपक बनाएं। तो आपको 3 दीपक बनाने हैं, एक माता रानी के सामने आप रखेंगे और 2 दीपक एक्स्ट्रा। ध्यान रखें, उन 2 दीपक को आपको अभी प्रज्वलित नहीं करना है। अब आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर
आपको आ जाना है मंत्रों का जाप करने के बाद। अब आप सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। ध्यान रखें, स्वास्तिक का चिन्ह अगर पुराना स्वास्तिक है तो उसके ऊपर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक किसका प्रतीक है? माता लक्ष्मी का, श्री गणेश का। तो माता रानी हमारे घर में आ रही है, तो स्वास्तिक हमें हमारे घर के मुख्य द्वार पर बनाना चाहिए, ताकि स्वास्तिक क्या है, एक चुंबक का काम करता है, माता रानी की शक्तियों को खींचने का काम करता है। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में आती है। ध्यान रखिएगा, स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद ध्यान रखें, आपने जो दो दीपक ले रखे हैं उसमें से आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और वहाँ पर स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है। ध्यान रखें, स्वास्तिक की आरती करनी है, माता लक्ष्मी के मंत्र का, ओम श्रीम नमः का मंत्र का आपको जाप करना है और इस दीपक को आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर राइट हैंड साइड पे, अगर आपने घी का दीपक प्रज्वलित करा है तो आपके सीधे हाथ पर, सीधे हाथ की तरफ आपको रखना है। अगर आपने दीपक में तेल भरा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं हाथ की तरफ आपको ये दीपक रखना है। दीपक रखने से पहले थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा उस स्थान को साफ करें, फिर आपको थोड़े से चावल रखने हैं और उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। ध्यान रखें, दीपक की जो लौ है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस तरह आपको दीपक प्रज्वलित करना है और माता रानी को, नौ माता रानी को प्रणाम करना है। अब जो मौली है वो आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको बांध देनी है। आपको बांधते समय भी आपको ओम श्रीम नमः का 3 बार जाप करना है। अब जो थोड़े से अक्षत बचे हुए हैं, आपको थोड़े से अक्षत साथी के ऊपर आपको डालना है और कुमकुम से आपको माता रानी के पगलिया आपके मुख्य द्वार पर आपको बनाना है। कुमकुम से माता रानी के पगलिया बनाएं, हल्दी से उनको टीकी लगाएं, ऐसा करना बहुत शुभ होता है, माता रानी आपके घर में आती है। अब जो दूसरा दीपक है वो आपको आपके घर के जहाँ पर रसोई घर है वहाँ पर आपको लगाना है। दीपक लगाने से पहले आपको स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक की आरती करना है और वैसे ही आपको दीपक रखना है, दीपक के नीचे साबुत चावल रखना है और दीपक की लौ कहाँ पर होगी? उत्तर दिशा की तरफ ही होगी और आपको माता रानी को पधारने के लिए कहना है। ऐसा करने से धन धान्य के भंडार भर जाएंगे, अन्नपूर्णा माता भी प्रसन्न होगी और जीवन में आ रही तमाम समस्याएं सब दूर हो जाएगी। ध्यान रखें, ये दुर्गाष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और महानवमी के दिन भी कर सकते हैं, दोनों दिन करते हैं तो अति उत्तम है, इससे आपको अतिशीघ्र शुभ फल की प्राप्ति होगी। ध्यान रखें, ये उपाय आपको रात्रि 12 बजे से पहले कर लेना है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी धरती पर भ्रमण करती है। सप्तमी के दिन अपने नेत्र खोलती है और भक्तों को देखती है। वह अष्टमी और महानवमी की रात में जो भी भक्त उनको घर में आमंत्रित करते हैं, उनके घर के द्वार खोलते हैं, माता रानी को बुलाते हैं और दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो माता रानी उनके घर में आती है और अपनी कृपा बरसाती है। और साथ ही साथ अगर आप कर सकें तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते की जो माला है वो तोरण बनाकर आप आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको बांधनी चाहिए। इससे भी क्या होगा कि घर में सुख शांति आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। यह उपाय आप कर रहे हैं तो बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास गंदगी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अंत में आपको माता रानी की आरती करनी चाहिए। बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। तीनों दीपक आपको घर में ही लगाने हैं, एक मंदिर में आप दीपक लगाएंगे, एक घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे और एक दीपक आपके रसोई घर में आपको लगाना है। बड़ा ही आसान और असरकारक उपाय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।